गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो वी आर इन पोर्तुगल. आज एक नया दिन, एक नई सुबह. हम आ गए हैं लिस्बन के अंदर. अब ये लिस्बन को सेपरेट करता है बीच में जो सी या रिवर या जो भी है. यहाँ बाकी लोग ना सब बाहर में बैठे रहते हैं, कोई ऐसा लोड नहीं उनके पास कि अंदर बैठना है, एसी में बैठना है. ये पतली सी दुकान आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ द एंट्री. और ये रेस्टोरेंट है. गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो वी आर इन पोर्तुगल. आज एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई धूप के मज़े लेते हुए हम लोग हैं पोर्तुगल, दिल्ली से लंदन के स्ट्रिप पे. ये पता नहीं हमारी कौन सी कंट्री है, मैंने गिनना छोड़ दिया है. पहले मैं इन सब कंट्रीज़ को काउंट करती थी, मैं कौन सी कंट्री में चल रही हूँ अभी, बट अब तो हम रोज़ एक नई कंट्री में जाते हैं, तो इसलिए मैंने अब काउंटिंग ही बंद कर दी है. तो हम लोग लिस्बन आ गए थे कल, और लिस्बन में आज आप लोगों को मेरा प्रॉमिस है कि आज मैं आपको घुमाऊंगी पूरा लिस्बन शहर. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल रात में हम होटल में रुके थे, और आज करीब 12 बज गया है हमें चेकआउट करते हुए इस होटल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था कल. तो चेकआउट करने का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि सुबह में भी चेकआउट जल्दी करना है. तो अभी हमने चेकआउट किया, और अब हम जा रहे हैं लिस्बन शहर घूमने, और फिर वहीं से हम अपनी दूसरी सिटी चले जाएंगे जो कि स्पेन में है. तो चलते हैं इस ट्रिप पे आप लोगों के साथ, दिल्ली से लंदन के इस ट्रिप पे. मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत हैपनिंग ट्रिप है, और बड़ा अच्छा लग रहा है. लिस्बन पोर्तुगल ऐसी सिटी है जहाँ पे मैं कभी भी फ़्लाइट लेके नहीं आऊँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी कंट्री है, और सिर्फ स्पेशली पोर्तुगल घूमने आना थोड़ा सेंसिबल नहीं है. तो इसलिए मैंने सोचा कि इस ट्रिप में हम लोग मिस नहीं करेंगे पोर्तुगल को. तो पोर्तुगल ऐसा शहर है जिसकी हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता, बस ये पता है कि पोर्तुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, और करेंसी जो है वो यूरो ही है, और ऐसी उसको चीप सिटी भी कंसिडर किया जाता है. यूरोप वाइज अगर देखिए, जैसे यूरो ही चलता है हर जगह, बट आपको होटल्स थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, खाने पीने के आइटम्स थोड़े सस्ते मिल जाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट पोर्तुगल इज़, ऐसा अभी तक पता चला है. बाकी आज जब जाएंगे एक एक जगह आपको घुमाएंगे, तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी ज़रूर बताते हैं, हम हर ब्लॉग में बताते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी जहाँ पे भी घूमने जाऊँगी. और जो इनका फूड है पोर्तुगीज़ फूड, वो ज़रूर ट्राई करेंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है. तो आज चलते हैं हम लोग पोर्तुगल. पोर्तुगल पहले पुराने लोग क्या बोलते थे, पुर्तगाल, पुर्तगाल भी बोलते हैं इसको कुछ लोग. तो चलते हैं पोर्तुगल घूमने. वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट. अगर आपके घर में, आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in. यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं. अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं. तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है, और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए. अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्री होम विजिट भी अवेलेबल है, आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा. और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है, इसलिए आप यहाँ पर जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए. तो बोर्ड पे आप लोगों ने देखा लिस्बन की जगह लगा हुआ है लिस्बोआ, और यहाँ पे करीब 10 किलोमीटर पे पूरा शहर शुरू हो जाएगा लिस्बोआ नाम का. तो वो लिस्बोआ नहीं, एक्चुअली हम लोग उसको इंग्लिश में लिस्बन बोलते हैं, और ऐसे उसका नाम लिस्बोआ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे हर जगह स्पेन में स्पेनिश हुई, तो उसमें ना वर्ड्स में इंग्लिश की स्पेलिंग में फ़र्क है. तो इसीलिए बच्चे अगर स्पेलिंग अब गलत लिखें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कि कहीं ना कहीं तो ये ठीक है ही, इंडिया में नहीं तो बाहर में. और अब हम चल रहे हैं लिस्बन घूमने. थोड़ी भूख ज़्यादा लग गई है, तो खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खाते हुए जाएंगे.
तो हम एंटर कर रहे हैं अब प्रॉपर सिटी, लिस्बन सिटी। ये आप जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू देख रहे हैं, ये यहाँ की एक फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है सेंटोरियो दी क्रिस्टा रिया। और अब ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये टोल टाइप का, इसके नीचे रिवर है और रिवर के उधर लिस्बन सिटी है। तो पुर्तगाल में आप सब मेरे साथ एंटर हो चुके हैं और हम चल रहे हैं लिस्बन घूमने। अच्छी सिटी होगी क्योंकि पानी के एकदम एक साइड पे है, तो पानी क्रॉस करके हम दूसरी तरफ इसके सी होगा वहाँ जाएंगे, तो अच्छा है। हम आ गए हैं लिस्बन के अंदर। अब ये लिस्बन को सेपरेट करता है बीच में जो सी या रिवर या जो भी है, ये हमें क्रॉस कर रहे हैं विद दिस ब्रिज। और ये आपके लिए पिक्चर है लिस्बन शहर की जो कि बसा हुआ है शायद समुंदर के किनारे पे, और इसके एंट्री पे जो स्टैचू थी वो आपको दिखाई थी। पुर्तगाल बहुत सारे क्रूज आते हैं यूके से शायद या स्पेन से, क्योंकि सी पोर्ट तो है यहाँ पे पक्का, जो दिख भी रहा है आपको दूसरी तरफ कई सारे क्रूजेस दिख रहे हैं। तो हम आ गए हैं लिस्बन सिटी में और ये थोड़ा हिली एरिया पे बनी हुई है, और हमने जो रेस्टोरेंट निकाला है वो गूगल से निकाला है, काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ। पुर्तगाल खाना, ऑथेंटिक पुर्तगाल खाना मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पुर्तगीज़ फूड ट्राई किया जाए जब पुर्तगाल में है तो, और उसी लिए इस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। इसमें आप ट्रैम दिख रहा है आपको सामने से गया है, गाड़ी बस सब चीज़ें जा सकती हैं इतनी पतली सी रोड से, ये मैं आज पहली बार देख रही हूँ। और आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, सिर्फ वन वे नहीं दिख रहा। ये है पुराना 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 एकदम पुराना आर्किटेक्चर, किस तरीके से ये फ्लैग ऐसे टंगा हुआ है पता नहीं, होटल का नाम लिखा हुआ है, बट बहुत पुराना आर्किटेक्चर है ये। आपको रोड के दोनों साइड इस तरीके से खिड़कियाँ, दरवाजे, बालकनी सब दिख रहा होगा। बालकनी नाम के लिए बालकनी है एक्चुअली, बालकनी और खिड़की एक ही जैसी है। भाई ये सिटी ना हिल पे बनी हुई है तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर हमें पार्किंग मिल गई है और पार्किंग टिकट अभी तक हमने लिया नहीं है क्योंकि यहाँ पार्किंग टिकट में सिर्फ पैसे चल रहे हैं और अपने को कार्ड से देना है, तो देखते हैं कार्ड से करते हैं कुछ ट्राई। और हमारा रेस्टोरेंट भी आने वाला है, अभी एटीएम हमने ट्राई किया, बहुत महंगा था यार, 1 यूरो 99 आया था, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब इसमें 4 यूरो, मैं 100 यूरो निकाल रही थी तो 4 यूरो कन्वर्जन चार्ज हो रहा था, मतलब 500 रुपये के आसपास लग रहा था। यहाँ पे लाइन किस चीज़ की लगी है? अरे यहाँ पे शोज बड़े होते हैं, म्यूज़िक शो ये और पता नहीं क्या क्या ताम झाम के शो है ना, कुछ ब्राज़ील का कुछ लगा हुआ है। अच्छा एक क्यूज़ीन ये रेस्टोरेंट होगा ब्राज़ील का, कोलोसोडो गिराल ब्राज़ील रेस्टोरेंट होगा या एम्बेसी होगी पता नहीं। ये शहर है लिस्बन और ये है आपका सेंटर पॉइंट ऑफ लिस्बन, ये मिड है लिस्बन शहर का, हर शहर का मिड ऐसे ही भरा भरा रहता है। और ये हूँ मैं और अब हम चल रहे हैं पुर्तगीज रेस्टोरेंट में ट्राई करने कुछ, मुझे पता है बहुत दिक्कत होगी, वेजिटेरियन स्पेशली हूँ, बट देखते हैं कुछ ना कुछ तो यार पकौड़े तो मिलेगा ही, कुछ तो मिलेगा ही, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ट्राई करूँगी पुर्तगीज, वरना तो ऐसे तो हमेशा वेजिटेरियन ही रह जाएंगे। और ये जो स्ट्रीट है ये यहाँ पे काफ़ी फेमस स्ट्रीट है क्योंकि सिटी सेंटर है इसलिए भी। ओके ये हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो भाई गर्मी है लेकिन यहाँ पे लोग सारे रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे बैठे हैं जैसे गर्मी बिल्कुल लगती नहीं इनको, बट मुझे तो वही गर्मी लगी है यहाँ, और ऐसा कोई ठंडा मौसम नहीं है, पता नहीं लोगों ने यहाँ क्यों जैकेट वैकेट पहन रखी है, हो सकता है शाम में हो जाता हूँ, पर सी के आसपास वाला एरिया बहुत ठंडा नहीं होता, हमेशा ह्यूमिड टाइप का रहता है। अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है, आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बस ये है कि भूख तेज लग रही है, बोलने का मन नहीं हो रहा है, कुछ खाते हैं पहले। वगैरह का प्रॉपर स्टोर है भाई बड़ा सा लिस्बन में, ऐसी बात नहीं है। आईफोन 15
ये देख लीजिए ज़ारा का शोरूम राइट इन द सेंटर ऑफ पुर्तगाल लिस्बन। ये अपने इंडियन ब्रांड मौसमी रत्ती, ये भी एकदम शोरूम्स पर अच्छी अच्छी जगह पहन के एंड ऑयशो पता नहीं क्या, मतलब मैंने तो ब्रांड पहली बार सुना। एक्चुअली इटली पेरिस इन सब जगह पे इतनी ब्रांड्स हैं कि शायद ही हम एक आधी ब्रांड रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। बाकी पैदल चल रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज कराई थी ये सोच के कि करेंसी एक्सचेंज कराना पहले ज़रूरी है। ये देखिए ये पिनोपोले क्रोज फॉर जियोक्स, ये एक ब्रांड है, इसके शूज एंड बैग्स। ये है टाउस, वाओ नाइस पर्स, दिस इज नाइस, वाओ सिर्फ 15,000 का, ज़्यादा महंगा भी नहीं, वाह। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है यहाँ, इतनी पतली सी रोड पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, मशीन भी चल रही है। देखो अपने आने की पूरी रोड ही ब्लॉक कर दी। ये कुछ बुफेलो ब्रांड टाइप का है, मास्क है 4-4 यूरो के, और शूज देखो सब लोग इसकी घंटी बजा रहे हैं। एलेक्स हॉप नाम है इसका, एलेक्स हॉप नाइस, शायद बच्चों के है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है बच्चों की, मेरे काम की ब्रांड है ज़ाहिर। ओके चलो चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बाकी लोग ना सब बाहर में बैठे रहते हैं, कोई ऐसा लोड नहीं उनके पास कि अंदर बैठना है एसी में बैठना है, क्योंकि बाहर का मौसम इनके हिसाब से ठीक है। और मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ अभी आपको, मैं कैसे पसीनों में बह रही हूँ, तो चलने की आदत नहीं है, पसीने फुल आ रहे हैं। चलो तो अगर आप लोगों को आना है लिस्बन पुर्तगाल, तो मैं आपको एक रेस्टोरेंट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और बहुत ही ऑथेंटिक है। मतलब कि अगर आपको पुर्तगीज़ फूड ही खाना है और पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिक रहा हो तो भाई उसका अलग टेस्ट होगा, लेकिन आप पुर्तगाल आके सेम फूड खाएंगे तो उसका एकदम अलग टेस्ट होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक रेस्टोरेंट कभी भी ना बहुत हाईफाई नहीं होते हैं, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत बड़ी बड़ी जगह पे एसी एंड ऑल। ऑथेंटिक रेस्टोरेंट हमेशा गली में मिलेगा, छोटी जगह पे मिलेगा, और पुराना तो है ही, ये रेस्टोरेंट है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ टैबर्ना डी रुआ लॉस फॉरेस्ट, हमें भी किसी ने रिकमेंड किया, और ये इसका फर्स्ट लुक आप लोगों के लिए, ये पतली सी दुकान आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ द एंट्री, और ये रेस्टोरेंट है, ये इनका मेन्यू है। किसी को पढ़ना आता हो मेन्यू तो पढ़ लीजिए, वरना मैं तो गूगल लेंस यूज़ करने जा रही हूँ और लेंस से पढ़ के बताऊँगी कि है क्या है। तो अच्छा लग रहा है ऐसे तो, और अंदर लोग भी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, तो ये गोवा टाइप की फीलिंग देता है थोड़ी थोड़ी। एग्यूडे प्लीज मीन्स वेट हियर, एग्यूडे तो ये पुर्तगीज वर्ड है आप लोगों के लिए, एग्यूडे वेट हियर प्लीज। तो अब हम लोगों ने एक पुर्तगीज खाना ऑर्डर किया है आफ्टर 10-15 मिनट सर्च से उनका मेन्यू को पूरा ट्रांसलेट किया और फिर उनको समझाया कि हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। फिलहाल ये जैसे ही आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो ऑलिव्स ब्रेड्स और ये ऑलिव ऑयल आपका आ जाता है एंड इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। इसके साथ अब आप साइड्स या मेन कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमने जो ऑलिव्स ख़त्म किए ना, इतना खट्टा होता है बहुत ज़्यादा, और ये ब्रेड ऑलिव ऑयल ऑलिव्स यहाँ पे ऐसे पुर्तगीज़ में पुर्तगीज़ फूड में ऐसे खाया जाता है। बताओ क्या ट्रेडिशन है, एकदम खट्टा ऑलिव ऑयल ब्रेड के साथ ऑलिव ऑयल में डुबो के उसको खाना है।
लेमनेड आ गया अपना वेजिटेरियन खाना, ये टमाटो एग और ये ब्रेड, दिस इज़ अ वेजिटेरियन स्टार्टर इन पर्टिकुलर, जिसका नाम मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखाया था, जो पहले फर्स्ट पहले उसमें लास्ट डिश है वो ये टमाटो का कुछ बनाऊंगा। अब इसको खा के देखेंगे कि कैसा लगता है और खाना पड़वट शुरू करना है भाई। पहली बार यूरोप में आने के बाद टमाटर प्याज अंडा और ये गार्लिक ब्रेड टाइप का मिला है। खाना तो हो गया, ये सेकंड डिश है पुर्तगीज में, इसका भी नाम कुछ अजीब सा है, और ये मैं खा लूँगी और ये मैं खा लूँगी, पर ये मैं नहीं खाऊँगी। तो इसी तरीके से कुछ काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले डिश में टमाटर भी थी, अंडे भी थी, अच्छा लगा, पेट भी भर गया, मैं ये सब थोड़ा सा ही खाऊँगी, एग वगैरह साइड से निकाल के खा लूँगी। ये आ गया अपना बिल, बिल आया है सिर्फ 31.5 यूरो का और पेट भर गया फुल। 50 यूरो इनको दे देते हैं, यूरो देखने में ऐसा दिखता है, इनको 50 यूरो दे देते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा बहुत और घूम के, और फिर निकलना भी तो है, तो जल्दी से अब निकलना है, कभी टाइम नहीं है। पुर्तगीज़ की स्पेशल डिश जिसको बोलते हैं पेस्टल दे नाटा, और ये ही पुर्तगीज़ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दुनिया में शायद 4 लोगों को रेसिपी पता है या समथिंग लाइक दैट। जो भी ये स्टार्ट हुआ था ना पेस्टल दे नाटा, कुछ नहीं है, कस्टर्ड टार्ट होती है, कस्टर्ड अंदर डला होता है और बाहर से टार्ट टाइप का होता है, तो पुर्तगीज़ लोग कहते हैं कि कुछ अलग टाइप की डिश है। आज हम खा के ज़रूर ट्राई करेंगे कि ये है क्या। अच्छा लग रहा है ऐसे देख के, ये शॉप भी अच्छी लग रही है और ऐसे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो शॉप है ये काफ़ी बड़ी सी है और इसमें कॉफ़ी, पेस्टल दे नाटा और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये हूँ मैं जो अब ट्राई करने जा रही है पुर्तगीज स्वीट डिश। अभी जस्ट मैंने आपको खाना खिलाया पुर्तगीज का, और अभी दूसरी शॉप पर आई हूँ फॉर द स्वीट डिश। हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अब ब्रसीलेरिया। 1995 से ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, 1905 से। ओ भाई साहब, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है ये तो। और अब इस रेस्टोरेंट में हम खाने जा रहे हैं अपनी ऑथेंटिक डिश जिसका नाम था पेस्टल दे नाटा, जो बोला जाता है कि पुर्तगीज लोगों में शायद 3 या 4 लोगों को ही उसकी ऑथेंटिक रेसिपी पता है। बट क्योंकि ये रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट आपका 125 साल से है, तो आई एम श्योर कि इस रेस्टोरेंट में वो ऑथेंटिक पेस्टल दे नाटा हम खा सकते हैं। तो अभी हमने 2 कप कॉफ़ी और 1 पेस्टल दे नाटा ऑर्डर किया है ब्रेजीलियन रेस्टोरेंट में, और जो बाहर का व्यू है वो बड़ा अच्छा है। ये देखिए बाहर का व्यू इतना अच्छा है ना, सब लोग बाहर बैठते हैं, कोई रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठता है, और रेस्टोरेंट भी अलग से भरा हुआ है। बहुत ही कम लोग हैं जो मानते हैं कि उनको रेस्टोरेंट के अंदर बैठना है यहाँ पे इतने अच्छे मौसम में। ऑल दो मैं पूरा बैठी हुई हूँ धूप में ही, और जो कॉफ़ी ऑर्डर करी थी क्योंकि हम पुर्तगीज़ में, तो हमें पता होना चाहिए कि कैपुचिनो या थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की आएगी, इट इज़ नॉट सेम एज एवरीवेयर। तो हर जगह की कैपुचिनो अलग अलग स्टाइल की होती है, अलग अलग टेस्ट की होती है। मैं ज़रा इसको ठीक कर दूँ, तो हर जगह की जो कैपुचिनो होती है उसका अलग टेस्ट, अलग स्टाइल, अलग चीज़ होती है। अब आप देखिए कि ये पेस्टल दे नाटा जो इन्होंने दिया है, ये इन्होंने ऑथेंटिक पेस्टल दे नाटा दिया है, इसको हम खा के बताएंगे। मेनली इसमें कस्टर्ड है, कस्टर्ड टार्ट है, और ये है आपकी कैपुचिनो। वैसे हम हर कंट्री की डिश ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये कैपुचिनो देख रहे हैं आप किस तरीके से देख रही है, हर कंट्री की सब चीज़ें ट्राई कर लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि किसी को कहीं जाना होगा ना, तो फिर उसके बाद आप हमारे पास आइए, पूछिए कि भाई कहाँ जाके कहाँ रहें, कैसे खाएं, क्या करें। और स्पेशली जो कपल्स हैं वो तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर से जब भी घूमने जाएँ तो दे कैन वेरी वेल कनेक्ट विद अस एंड वी कैन प्रोवाइड आर गुड सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस किसी भी प्लेस के लिए। आधे से ज़्यादा यूरोप देख लिया आप, तो चलते हैं खाने पेस्टल दे नाटा, पुर्तगीज की डिश। चलिए, तो ये आ गई है हमारी ब्राज़ीलियन स्वीट टोस्ट, ये वाला हमने एक नया डिश यहाँ पे पुर्तगीज़ में सोचा खाने के लिए, और क्योंकि हमें बहुत शौक है नया खाने का, नया ट्राई करने का, तो हम इस वाले खाने को भी ट्राई करेंगे। ये ऐसे ब्राज़ील का शायद कोई फेमस डिश है, बट पुर्तगीज़ में मिल रहा है और पुर्तगीज़ में ब्राज़ीलियन बहुत सारे हैं, तो ये वाला ट्राई करते हैं कि कैसा लगता है खाने में। यहाँ पे अपना बिल आया है करीब करीब 16.5, मतलब 17 यूरो मान लो, 2 कैपुचिनो, 1 पेस्टल नाटा, 1 वो वही ब्राज़ीलियन पेस्ट्री टाइप का।
तो ठीक है 16.5 यूरो इज़ ओके, अब उसको दे देते हैं, कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बड़ा कॉमन है बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, गाना, ये सब बड़ा कॉमन सा है। यहाँ के टुक टुक जैसे थाईलैंड में चलते हैं टुक टुक, उसी तरीके से यहाँ पे भी चलते हैं टुक टुक। और हम जा रहे हैं वो अपनी कार पार्किंग की तरफ, क्योंकि कार का पार्किंग का टाइम ख़त्म हो गया है, तो हम चाहते नहीं हैं दोबारा से कोई चलान या टिकट टाइप का है। चलिए, बच्चे गा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल को हेल्प कर रहे हैं, कुछ फंड रेज कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बच्चे गा रहे हैं, सब बच्चे हैं ये। हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास और अब हमें निकलना है वापस से स्पेन के लिए। और अब हम यहाँ से अपनी ऑनवर्ड्स या कह लीजिए बैकवर्ड जर्नी शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स लंदन, क्योंकि अब हम वापस स्पेन एंटर करेंगे, फिर फ्रांस एंटर करेंगे, पेरिस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे एंड ऊपर स्वीडन, नॉर्वे सब होते हुए यूके जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे 50% ऑफ द जर्नी कंप्लीट हो गई है। और पुर्तगाल सबसे, जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो पुर्तगाल लिस्बन सबसे नीचे नदी में समुंदर में है, तो हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कवर किया लिस्बन तक आए, और अब वापस से लिस्बन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी बात कि रोड ट्रिप, बींग अ गर्ल, रोड ट्रिप करना मेरे लिए मेरी ड्रीम कम ट्रू टाइप का है, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले इतना लंबा सफ़र नहीं किया है। बहुत बार मैं बहुत जगह घूमी हूँ बट एक स्ट्रेच में इतना ज़्यादा नहीं, और रोड ट्रिप में। तो आ गए हम वापस से अपनी गाड़ी के पास और स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से स्पेन की जर्नी, और बीच बीच पर आपको दिखाती रहूँगी रोड्स, चीज़ें, और बात भी करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं टूवर्ड्स द जर्नी। सबसे ज़्यादा इस पूरे ट्रिप का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाना ठीक जगह पे, क्योंकि पार्किंग इजीली अवेलेबल नहीं है। पार्किंग जाना रेस्टोरेंट आधा किलोमीटर दूर है, पार्किंग लगाई आधा किलोमीटर दूर। तो क्योंकि हम गाड़ी लेके आए हैं तो गाड़ी में स्पेशली दिक्कत आती है कि पार्किंग वगैरह आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, और मुझे भी चलना पड़ता है उतना ही पैदल, तो बाकी तो सब ठीक है। और बाकी मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने वाइफ के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ रोड ट्रिप पे आ सकते हैं इस तरीके से। और जिसको भी आना हो कभी भी, दे कैन मैसेज मी एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल देयर मैसेजेस। कभी भी कोई सजेशन चाहिए हो घूमने के रिगार्डिंग, तो माय सजेशंस आर ऑलवेज ओपन। यही मज़ेदार चीज़ है इस पूरे ट्रिप की, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पुर्तगाल भी घूम लिया। वाओ, इट इज़ सो सो नाइस। और आप लोगों ने सब चीज़ें घूमी है मेरे साथ। मैं वैसे भी बोलती रहती हूँ कुछ और घूमना है तो बता देना, कमेंट्स कर देना, कुछ बता देना कमेंट में लिख के कि भाई ये और चीज़ ये घुमा दो घुमा दो। बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो हो सकता है मैं किसी एक डायरेक्शन में सोच रही हूँ उस टाइम, बट अच्छा लगता है मुझे खुद भी जब आप कमेंट करते हैं और मैं उस पर रिप्लाई करती हूँ। और बस पुर्तगीज़ का कल्चर अपना गोवा टाइप का कल्चर है, मतलब ये कह लीजिए वास्को द गामा जो थे वो पहले पुर्तगीज़ ट्रेडर थे जो इंडिया आए थे इंडियन कोस्ट लाइन पे, और उन्होंने आके बहुत सारी
ट्रेडिंग शुरू करी थी इंडिया में, और गोवा का कल्चर सिमिलर है यहाँ के कल्चर से. गोवा में भी बहुत सारे पर्तगीज लोग रहते हैं, पर्तगीज और इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ पे भी. और यहाँ पे भी मैंने देखा कि एक बंदे ने, रेस्टोरेंट के बंदे ने हाथ पे लिखवा रखा था पार्वती, और वो पर्तगीज बंदा था. जब उससे पूछा मैंने मीनिंग क्या है इसका, तो बोला कि अच्छा लग रहा था उसको शॉप में, तो उसने लिखवा लिया. वो हिंदी में लिखा था पार्वती. इस तरीके की कुछ कुछ बड़ी चीज़ें होती रहती हैं. और इधर इनकी मेन सिटी है, और इधर इनका सी है. पता नहीं आपको सी यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है. वो जो पीछे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ सी. और अब हम वापस स्टार्ट करेंगे पोर्टुगीज से टूवर्ड्स स्पेन. यही टी शर्ट कल मैंने ज़ारा से ली थी. सॉरी मैं बताना भूल गई कि मैंने कल ज़ारा से जो शॉपिंग की थी उसमें टी शर्ट भी थी, क्योंकि अपने सारे कपड़े गंदे हो गए थे और एक भी कपड़ा साफ़ नहीं था. तो हमने सोचा फटाफट से दो दो टी शर्ट लेते हैं, ताकि अगले दो चार दिन, पाँच दिन हम पहन सकें. और रोड ट्रिप पे थोड़ा सा चैलेंजिंग बस यही है कि कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं और ज़्यादा सामान भी नहीं ला सकते अब. चलिए चलते हैं आगे की जर्नी करते. तो यही है आपकी पुर्तगाल की सड़कें, रोड्स अच्छी लग रही है. पुराना पुर्तगीज कल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा. ऐसे पुर्तगाल में नए वाली साइड पे भी वो बने हुए हैं मॉल्स वगैरह, एकदम प्लेन सा एरिया में दिखते हैं. लेकिन यहाँ पे रहने का या यहाँ पे घूमने का अपना अलग ही मज़ा है. कि ये देखिए, आपको दिख रहे हैं अंकल, इनके बगल में गेट दिख रहा है. अब ये गेट भी ना कई सौ साल पुराना गेट होगा, और ऊपर ये होटल या हॉस्टल टाइप का होगा. अच्छा, पुर्तगीज़ में वाइन बहुत फेमस है. पुर्तगीज़ वाइन वर्ल्ड फेमस है. तो यहाँ पे वाइन टेस्टिंग शॉप बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा. हमने तो खैर नहीं पी, बट ऐसे वाइन वगैरह यहाँ पे बहुत चलती है, ग्रेप वाइन या फ्रूट्स वाइन, फ्रूट वाइन. और ये हूँ मैं. अब हम बढ़ चुके हैं स्पेन की तरफ दोबारा, इनफैक्ट पेरिस की तरफ. पेरिस के रास्ते में स्पेन पड़ेगा, तो रुकना होगा कहीं पे आज, बट रुकते रुकते चले जाएंगे, पेरिस पहुँच जाएंगे अपने दो दिन में. 1800 किलोमीटर है पेरिस, यहाँ पे दिख रहा होगा 1800 किलोमीटर. ये सी है, ये हम हैं यहाँ पे सी है पुर्तगाल में. तो अब हम वापस से जा रहे हैं. इस क्रूज की बात कर रही थी मैं, अमेरिकन ये क्रूज है. दिस इज़ नॉट अ बिल्डिंग. तो हम लोग अभी रुके हैं इस पेट्रोल पंप पे डीजल डलाने के लिए. गाड़ी में डीजल अब सिर्फ 50 किलोमीटर का बचा था. लिस्बन से जब से हम चले हैं, तब से आप समझ लीजिए कि हम लोग अब जाके रुके हैं, मतलब दो ढाई घंटे हो गए हमें चले हुए. 5 बजे चले थे और अभी 7:30 बजने जा रहा है. तो अभी रुकना भी ज़रूरी था, कि ढाई घंटे बैठे बैठे थोड़ा सा बोरियत होने लगती है. और जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे आसपास ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है इधर और एक पेट्रोल पंप है उधर. यूरोप में बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि अगर एक साइड पेट्रोल पंप है ना, तो दूसरी साइड 100% पेट्रोल पंप होगा. मतलब आप आँख बंद करके सोचिए कि अगर आपका इस तरफ का छूट गया जाते हुए में, तो आप दूसरी तरफ आते हुए में कर सकते हैं. और इन फैक्ट मैंने देखा है कि इवन जो शॉप्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट इस साइड अगर मैकडी है, तो दूसरी साइड में मैकडी होगा. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सिमिलैरिटी से, बहुत क्लैरिटी से इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है. ऐसा नहीं कि आज मन किया यहाँ मैकडी खोल दिया, उस वाली साइड सबवे. अब किसी को आते हुए खाने का मन हुआ सबवे, तो उसको घूम के आना पड़ेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. और अपने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का देखने को मिलता है, स्पेशली वो जो अपना हाईवे है, जब आप जाते हैं नैनीताल की तरफ, तो उस तरफ थोड़ा सा ऐसे ही मिलता है कि कभी एक तरफ सबवे दिखेगा, एक तरफ मैकडी दिखेगा. अपनी गाड़ी में डीजल हो रहा है फुल, और जब तक डीजल फुल होगा तो मैंने सोचा आपको फटाफट से कुछ क्विक अपडेट्स दूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि अभी हम पुर्तगाल में ही हैं या पोर्टुगल में हैं, तो इसलिए आपको ये बता दूँ कि गोवा का जो कल्चर है वो पोर्तुगीज से आया हुआ है. क्योंकि जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम हुई थी 1947 में इंडिया में, बट गोवा उस टाइम फ्री नहीं हुआ था. वहाँ पे तब भी पोर्तुगीज का ही रूल था. तो जब आप गोवा विज़िट करेंगे, तो आपको गोवा और लिस्बन एक जैसा दिखाई देगा. बहुत फेमस सेइंग है कि इफ़ यू आर इन गोवा यू नीड नॉट टू कम टू लिस्बन, बिकॉज गोवा में उन लोगों ने, पोर्तुगीज लोगों ने बहुत टाइम तक रूल किया, और करीब हमसे 10 साल के बाद गोवा को फ्रीडम मिली है. तो गोवा पे बहुत दिन तक पोर्तुगीज कल्चर चलता रहा. सबसे पहले जो ट्रेडर आए थे गोवा में, दैट वॉज वास्को द गामा. तो वास्को द गामा वॉज अ पोर्तुगीज़,
तो वो ट्रेडिंग के उसमें आए थे ट्रेड करने, बट धीरे 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 उन्होंने अपनी वहाँ पे कॉलोनी बना ली. और बहुत टाइम से वहाँ पे इस तरीके का कल्चर, कैथोलिक कल्चर, चर्च वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे गोवा में. वो सब देख के तभी मैंने आपको कई बार वीडियो में बोला कि अरे तो गोवा जैसा लग रहा है. बात ये गोवा जैसा नहीं लग रहा, गोवा को यहाँ की तरह बनाया गया था. दैट्स वाई हम लोग जब भी गोवा जाएंगे तो एक बार इस बार खुल के देखेंगे कि अच्छा ये इस तरीके से लिस्बन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. और लिस्बन में जिस तरीके से कैथोलिक चर्च और बहुत सारी चीज़ें, कलरफुल बिल्डिंग्स, उस तरीके से ही गोवा में भी है. तो चलते हैं फिलहाल अंदर की तरफ और कुछ सामान वामान लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में जाएंगे नई लैंग्वेज आती है. पोर्तुगीज इज़ अ न्यू लैंग्वेज. सो ओब्रिगाडो, ओब्रिगाडो मीन्स थैंक यू. अगर आपको किसी को जैसे ग्रेशियस बोलते हैं स्पेनिश में, वैसे ही पोर्तुगीज में ओब्रिगाडो बोलते हैं. और स्पेनिश में हम ब्यूनोस डियास बोलते हैं गुड मॉर्निंग को, वैसे ही यहाँ पे बॉम दिया बोलते हैं, बॉम दिया. तो दैट इज़ अ गुड मॉर्निंग इन पोर्तुगीज लैंग्वेज. तो अच्छा है कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है. बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब चीज़ें सीखते हुए और बताते हुए आप लोगों को भी, आप लोगों से शेयर करते हुए, आपकी नॉलेज बढ़ाते हुए. तो मज़ेदार रहता है मेरा. अब मैं आपसे सिर्फ इन जनरल बात करती हूँ. आपको पसंद आ रहा है तो भी ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड्स हैं, ये वो है. और प्लस जो जो मेरा ज्ञान है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरा ज्ञान बॉम दिया और ओब्रिगाडो, ये दोनों ही वर्ड्स नए वर्ड्स में एडेड हुए हैं. ये आ रही है हमारी गाड़ी और ये हो जाएगी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी. भाई एक ऐसा रेस्टोरेंट है, इसमें कोई नहीं है पर हम लोग जा रहे हैं हाईवे पे, ये पेट्रोल पंप के बगल में था तो हम सोचा यहाँ पे रेस्टोरेंट में कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं. शाम का टाइम है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से पार्किंग मिली है. पार्किंग इस तरीके की वाइट लाइन में लगा सकते हैं, फ्री पार्किंग होती है ये सब. बाकी हर कंट्री में अपना अपना है, किसी में ग्रीन लाइन, किसी में येलो लाइन, पार्किंग टिकट लेना ही होता है. यहाँ फिलहाल पार्किंग टिकट का तो लोड नहीं है. ये सब चैलेंजेस हैं जब हम आते हैं रोड ट्रिप पे कि आपको कितने बजे होटल लेना है, किस टाइम लेना है. आप कुछ भी प्री बुक नहीं करा सकते. अभी रात के 2:30 बजने जा रहे हैं और हमने एक हाईवे पे ऐसे ही होटल बुक किया है. ये HCB, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये एक होटल है जो भी बुक किया है 85 यूरोज़ का. और क्योंकि अब रात में बहुत देर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, 2:30 ऑलरेडी बज गया है, तो हमने सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं और कल सुबह फिर यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. होटल हालांकि अंदर आके दिख रहा है कि होटल ठीक ठाक है, होटल इनफैक्ट अच्छा ही है, पर चलते हैं बाहर. 5th फ्लोर, 503 इज़ द नंबर. सिर्फ पड़ेगा 503. एक तो ये ऑटोमेटिक इनकी लाइट का सिस्टम होता है कि लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली जलती है, तब तक दिखेगा ही नहीं. 503 रूम अंदर की तरफ खुलेगा क्या? उल्टा खुलेगा, ठीक है. भी मैं लगाती हूँ रूम की की, एक ही की मिली है. और सबसे पहले बाथरूम दिख गया तो बाथरूम में निकाल देते हैं, छोटा सा बाथरूम है, ठीक है. और अरे वाह, रूम ठीक ठाक है भाई. रूम का साइज़ उतना छोटा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. रूम ठीक ठाक साइज़ का है. और बस ये तो रोज़ की कहानी है अपनी कि होटल में आओ, चेक इन करो, 5-6 घंटे 8 घंटे भी यूज़ नहीं करते हम लोग होटल और चले जाते हैं. तो ठीक है, बस फिर यही है आज की भी कहानी. तो रोज़ ऐसे ही कुछ नया नया रहता है पर अच्छा लग रहा है, नया नया सिटीज़ घूम के, नई नई कंट्रीज़ घूम के, उनका एक्सपीरियंस ले लेके. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए शहर के साथ, एक नए कल्चर के साथ. और सब लड़कियों को मैं कहूँगी कि सारी लड़कियाँ भी आ सकती हैं रोड ट्रिप पे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा लड़के ही रोड ट्रिप करें. तो आइए आप लोग भी घूमने और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ वो लोग भी रोड ट्रिप कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं सुबह सुबह.